हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिस स्मज्ड कैट विंग आईलाइनर लुक, जो बहुत ही अच्छा लगता है। एज यू कैन सी, दिस लुक इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ओकेजन के लिए, अगर आप किसी फंक्शन के लिए करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टी के लिए करना चाहते हैं। और स्पेशली जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता और मुझे बहुत ही जल्दी कोई लुक क्रिएट करनी होती है, एंड आई ऑलवेज गो फॉर दिस लुक, क्योंकि बहुत ही ईजी है करना और बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने रेड लिपस्टिक अप्लाई की है, आप चाहें तो आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं विद दिस लुक। और मैंने बहुत सारे आई शैडोज यूज नहीं किए ताकि स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत इजी हो जाए ये लुक क्रिएट करना। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं ब्राउज से शुरू करूंगी, और उसके लिए मैं बेनिफिट की ब्राउ प्रिसाइज पेंसिल यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही प्रिसाइज है, आप बहुत ही शार्पली अपने ब्राउज को लाइन कर सकते हैं। और मेरी ब्राउज थोड़ी सी थिन है तो मैं थोड़ी सी थिक ब्राउज ड्रॉ करूंगी। तो पहले मैं अपनी ब्राउज का लोअर पार्ट को लाइन करूंगी, उसके बाद अपर पार्ट से थोड़ा सा मैं थिक ड्रॉ करूंगी जैसे कि मैंने कहा, और बहुत ही लाइटली मैं फ्रंट पार्ट को भी हल्का सा लाइन कर लूंगी विद द सेम पेंसिल। अब मैं ये NYX का ब्राउ पाउडर यूज कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा अपनी ब्राउज को फिल कर लूंगी इससे, हल्का सा डार्क करने के लिए। अब चाहें तो आप पेंसिल की हेल्प से ही थोड़ा सा फिल कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा जो भी एम्प्टी स्पॉट्स होंगे उससे पाउडर की हेल्प से फिल कर लूंगी। उसके बाद मैं बेनिफिट का गिमी ब्राउ जेल यूज कर रही हूँ, और मैं अपनी ब्राउज को सेट कर लूंगी इससे। Now I'm gonna take this highbrow highlighting pencil from Benefit, और मैं अपनी ब्राउज को क्लीन कर लूंगी इससे। तो आपको कंसीलर यूज करने की जरूरत नहीं, आप बहुत ही अच्छे से इससे क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी प्रोडक्ट है ये और बहुत ही लाइट कलर का है, तो आपकी ब्राउज बहुत ही हाईलाइटेड लगेंगी। स्पेशली आपकी ब्राउज का जो लोअर पार्ट होता है वहां पर आप बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं इससे। आई बेस के लिए मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ फिटमी का, और मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। एंड एज ऑलवेज मैं कंसीलर को सेट करती हूँ विद प्रेस पाउडर, तो मैं अच्छे से सेट कर लूंगी बेस को। आई मेकअप के लिए मैं कलर पॉप की आई पिंक आई लव यू पैलेट यूज कर रही हूँ। आप कोई भी सिमिलर पैलेट यूज कर सकते हैं, कोई भी सिमिलर शेड। तो मैं सबसे पहले ये वाला आई शैडो लूंगी, और मैं सिर्फ एक ही आई शैडो यूज कर रही हूँ ट्रांजिशन कलर के लिए। और एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी, तो ये मेरा ट्रांजिशन कलर होगा। मैं सिर्फ एक ही ट्रांजिशन कलर यूज कर रही हूँ, और हल्का सा मैं थोड़ा सा ओवर अप्लाई करूंगी ताकि थोड़ी सी क्रीज मेरी डार्क हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं। मैं बहुत ज्यादा आई शैडोज नहीं यूज करना चाहती इस लुक के लिए। अब मैं मेबेलिन का ब्लैक जेल लाइनर यूज कर रही हूँ, और मैंने टेप भी अप्लाई की है एट द एंड ऑफ माय आई। तो हमेशा आप टेप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उससे आप बहुत ही इजीली विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हैं। और मैं बहुत ही रफली एक लाइनर ब्रश की हेल्प से मैं आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, बहुत ही रफली। आपको बहुत ज्यादा नीटली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ब्लेंड करेंगे इस लाइनर को। तो जेल लाइनर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत ही इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप काजल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं पैलेट में से ब्लैक आई शैडो ले रही हूँ, और एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं हल्का हल्का इस जो मैंने जेल लाइनर अप्लाई किया था उसको मैं स्मज करती जाऊंगी इस आई शैडो से। और बहुत ही लाइटली स्मज करें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये स्मज आईलाइनर लुक है, तो आप बहुत ही लाइटली स्मज करें। और आप रीअप्लाई कर सकते हैं जेल लाइनर को अगर आप चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक आई शैडो अप्लाई करी, मैं एक ही बारी में बहुत ज्यादा ब्लैक आई शैडो नहीं अप्लाई करूंगी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी डार्क करूंगी इस आई शैडो की, और मैं विंग को हल्का सा थिक बना रही हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैट आई लुक चाहती हूँ इसलिए। अब पैलेट में से मैं लाइट आई शैडो ले रही हूँ, और मैं हल्का सा इसको अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी आईलिड्स हल्की सी लाइट कलर की हो जाए इसलिए मैं कोई भी शिमर आई शैडो नहीं यूज कर रही।
अब मैं सेम जेल लाइनर से मैं बाकी आईज पे भी लाइनर अप्लाई करूंगी और बहुत ही थिन अप्लाई करूंगी इस तरह से. एंड अगेन यूजिंग द सेम ब्लैक आई शेडो और सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईलिड्स पे भी इस आईलाइनर को हल्का सा स्मज करूंगी लाइक दिस. अब मैं विंग को भी अच्छे से स्मज कर लूंगी और जैसे कि मैंने कहा अब आप देख सकते हैं आई शेडो की इंटेंसिटी बहुत ही डार्क हो गई है. मैं इससे ज्यादा डार्क नहीं अप्लाई करूंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस. प्राइमर के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का प्राइमर यूज कर रही हूँ और मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी इसको. और मैंने मॉइस्चराइजर भी अप्लाई किया है बिफोर अप्लाइंग द प्राइमर. हल्की सी कलर करेक्टिंग के लिए मैं कंसीलर पैलेट यूज कर रही हूँ एंड आई एम गोना टेक दिस कंसीलर शेड. और मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से जहां पे भी मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स है मैं उनके ऊपर अप्लाई कर लूंगी. फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और मैं अपने पूरे फेस पे डॉट्स अप्लाई कर लूंगी. फाउंडेशन के साथ मैं थोड़ा सा ये लिक्विड हाइलाइटर मिक्स कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का और मैं अपने फेस पे हल्का सा अप्लाई कर लूंगी इसको विद द फाउंडेशन. और एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से फाउंडेशन को और हाइलाइटर को ब्लेंड कर लूंगी. तो ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा मैट है तो मुझे थोड़ी सी डुई लुक चाहिए थी तो इसलिए मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है इसके साथ लिक्विड हाइलाइटर. आप चाहें तो आप इल्यूमिनेटर भी मिक्स कर सकते हैं वो थोड़ा सा लाइट होता है. और आप चाहें तो आप फेशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इस फाउंडेशन के साथ. बट मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और ये फाउंडेशन मुझे बहुत सूट करती है और फंक्शंस के लिए स्पेशली फाउंडेशन बहुत अच्छी है. तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मैटिफाई नहीं लग रहा थोड़ा सा डूई लग रहा है. हाईलाइट करने के लिए मैं अपना फेवरेट कंसीलर यूज कर रही हूँ मेबेलिन का और ये 20 शेड है. और मैं अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लूंगी ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज ऑन माय फोरहेड ऑन द साइड ऑफ माय माउथ एज वेल. और उसके बाद डार्क स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी. अपने अंडर आईज को सेट करने के लिए और अपने फेस को सेट करने के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ. और एक मेकअप वेज की हेल्प से मैं इसको अपने पहले अंडर आईज पे अप्लाई करूंगी थोड़ा सा. मैं बहुत ज्यादा बेकिंग नहीं कर रही, मैं हल्का सा सेट करूंगी ताकि मेरे जो कंसीलर है वो क्रीज ना हो. और थोड़ा सा मैं अपने जॉ लाइन के पास अप्लाई कर लूंगी. और उसके बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं एक्सेस जो पाउडर है उसको रिमूव कर लूंगी. और बाकी फेस को सेट करने के लिए भी मैं सेम पाउडर ही यूज कर रही हूँ. ब्रॉन्जर के लिए मैं मेबेलिन का ये मास्टर हाईलाइट यूज कर रही हूँ. ये बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं है बट परफेक्ट शेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं. तो मैं एक ब्रश की हेल्प से हल्का सा अपने फेस पे वॉर्म्थ ऐड करने के लिए तो मैं ये ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ. और चीक्स पे अप्लाई कर लूंगी, अपने फोरहेड पे, अपनी नोज पे और जॉ लाइन पे भी. ब्लश के लिए मैं कलर पॉप का ब्लश यूज कर रही हूँ. थोड़ा सा डार्क ब्लश है, आप चाहें तो आप थोड़ा सा लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं. और रियल टेक्निक्स के ब्लश ब्रश की हेल्प से आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन द एपल्स ऑफ माय चीक्स. तो आप थोड़ा लाइटली ही अप्लाई करें क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस कलर है ये.
हाइलाइटर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ और एक स्मॉल हाइलाइटर ब्रश की हेल्प से आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय चीक्स इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये, स्पेशली अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है, बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है। और मुझे स्पेशली अगर आपकी स्किन पे थोड़े एक्स्ट्रा पोर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये। काजल के लिए मैं मेबिलिन का सेम ब्लैक जेल आइनर यूज कर रही हूँ। पैलेट में से मैं ये वाला आई शैडो लूंगी और एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मच करूंगी ऑन माय लोअर लैश लाइन। मैं बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना चाहती, तो मैं लाइटली ही स्मच करूंगी। एंड देन आई एम गोना टेक दिस आई शैडो फ्रॉम द पैलेट और मैं इसको अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी टू हाइलाइट माय इनर कॉर्नर्स। लिपस्टिक के लिए मैं फोकिलो की मैट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इन द शेड 01। मैं सारी डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगी। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली लिपस्टिक्स, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है ऑन योर लिप्स और आप देख सकते हैं कलर बहुत ही ब्राइट है। सो अगेन आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक अप्लाई करना चाहते हैं, बट विंग लाइनर के साथ रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है स्पेशली फंक्शंस के लिए। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज, आई रियली होप आप लोगों को ये स्मल्च कैट आई लाइनर लुक पसंद आया होगा और बहुत ही क्विकली आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे आई शेडोज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। और जैसे कि मैंने कहा आप टेप जरूर अप्लाई करें एट द एंड ऑफ योर आई, उससे आप बहुत ही इजिली आई लाइनर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये लुक पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ये लुक रिक्रिएट करें सो डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। प्लीज शेयर कीजिए मेरी वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।